हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सी टी नीट पर। स्टूडेंट, हम लोग उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा के थ्रू जो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, यह यूनिवर्सिटी सी पी नेट के नाम से, जिसके थ्रू आप नर्सिंग और पैरामेडिकल के अलग अलग कोर्स आप लोग कर सकें। तो हम लोग आज इस वीडियो में जो हिंदी की बायोलॉजी की क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसका, उसमें वीडियो नंबर तीसरा नंबर वीडियो है। तो जो पिछले वर्ष के आए हुए सभी क्वेश्चन रखे गए हैं, तो आप लोग उसका एक्सप्लेनेशन और आंसर कंप्लीट या लिख लीजिए या वीडियो दो तीन बार देख लीजिए। तो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिए, जिस वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया जाए आप लोग उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी बेरी रोग जो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, तो इसमें B1, इसमें सभी विटामिन का डिफिनीशन दिया गया है, जो आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए। तो इसमें बेरी बेरी विटामिन किसकी कमी से, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अब B1 के बारे में दिया गया है, BA के बारे में दिया गया है, BA को ए भी क्वेश्चन बनता है, BA को रेटिनॉल कहते हैं, या किस में पाया जाता है, ये भी विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। और विटामिन B12 बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबलामिन है, साइनोकोबलामिन, इसमें कोबाल्ट CO धातु पाया जाता है। ये भी पूछता है कि क्या पाया जाता है, तो इसमें कोबाल्ट एलिमेंट धातु पाया जाता है, यह RBC के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। तो क्वेश्चन एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे उसमें 4-5 क्वेश्चन बनने वाले हैं। यह कहाँ पे, यह मांस, कलेजी, लीवर, दूध इत्यादि में पाया जाता है, कौन सा विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, मेंढक में दांत होते हैं, मेंढक में जो दांत होते हैं वो कौन से दांत होते हैं, होमोडांट होते हैं, थीकोडांट होते हैं, या हेटरोडांट होते हैं। तो हेटरोडांट तो हम लोगों में होता है, हेटरोडांट किस में होता है, ह्यूमन में, लेकिन मेंढक में जो होता है वो होमोडांट होता है, एक तरीके से दांत होता है एक ही तरह का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, मेंढक में होमोडांट टीथ होते हैं, आंसर इसका फर्स्ट सही था। तो ये भी आप देख लीजिए, मेंढक में दांत होमोडांट होते हैं, थीकोडांट उसको कहते हैं, जो ऐसे दांत जो मसूड़ों में धंसे होते हैं उसको थीकोडांट कहते हैं। वो किस में पाया जाता है, मनुष्य में, हम लोग को मसूड़ों में दांत धंसे रहते हैं। हेटरोडांट जो होता है वो ऐसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं उसे हेटरोडांट कहते हैं, या मनुष्य के दांत हेटरोडांट प्रकार के होते हैं। जैसे क्या होता है, ऐसे याद कर लीजिए आप, ICPM, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये किस में होते हैं, ये ह्यूमन में, हम लोगों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्च से क्या संबंधित है। स्टार्च जो होता है वो क्या होता है, स्टार्च ग्लाइकोजन होता है। तो स्टार्च से क्या संबंधित है, तो फर्स्ट ऑप्शन ग्लूकोज दिया गया, बी ऑप्शन फ्रक्टोज दिया गया, और सी ऑप्शन सुक्रोज, और डी ऑप्शन गैलेक्टोज दिया गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टार्च से क्या संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग्लूकोज लगाएंगे, स्टार्च से संबंधित ग्लूकोज है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। और फ्रक्टोज के बारे में दिया गया है, ये भी आप लोग देख लीजिए, और सुक्रोज के बारे में दिया गया है, मोनोसैकेराइड के 2 अणु डाइसैकेराइड का निर्माण होते हैं। ये आप लोग इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या होता है, माल्टोज, अगर 2 यूनिट सेम रहती है तो माल्टोज होता है, और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को क्या कहते हैं, सुक्रोज में फ्रक्टोज लग जाता है तो सुक्रोज हो जाता है, और ग्लूकोज गैलेक्टोज, ऐसे हम याद किए थे, गिलास से याद किए थे, क्या लैक्टोज, दूध में लैक्टोज पाया जाता है, हम लोग किस में पीते हैं, गिलास में, तो ग्लूकोज और गिलास गैलेक्टोज, इसमें लैक्टोज ये यूनिट दी गई है। तो ये आप लोग तीनों कहीं पे भी लिख लीजिए, और ये क्लियर होना चाहिए कि ये 2 यूनिट मिलके क्या बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दांत का शिखर बना होता है, जो दांत का शिखर लास्ट पार्ट होता है वो किसका बना होता है, कार्टिलेज का होता है, इनेमल होता है, डेंटाइन या काइटिन। तो ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा, डेंटाइन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। दांत का जो शिखर होता है डेंटाइन का बना होता है, दांत के बाहरी परत को इनेमल कहते हैं, यह हमारे शरीर का सबसे कड़ा एवं मजबूत भाग होता है, क्या, इनेमल होता है।
क्वेश्चन नंबर 5, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी, विटामिन के दिया गया है, विटामिन ई और ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही करेंगे, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड भी होता है। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत खट्टे रसदार फल जैसे नींबू में, संतरा में, मौसमी में, आंवला, टमाटर, जितने खट्टेदार फल होते हैं उसमें विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फ्लोकिनोन होता है। यह हरी पत्तीदार सब्जी, टमाटर, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन ए का टोकोफिराल नाम होता है। विटामिन ई का भी देख लीजिए, टोकोफिराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन एक एंजाइम होता है। फर्स्ट ऑप्शन हार्मोन, बी ऑप्शन एंजाइम, सी विटामिन, डी पोषक तत्व। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही करेंगे? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही करेंगे, एंजाइम। पेप्सिन होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है। तो इसमें पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन स्टोमच के पेप्टिक सेल्स से निकलता है, सिक्रेट होता है, जो पेप्सिन में बदलता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। हार्मोन यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों में स्त्रावित होता है। यह बॉडी के अंग के विकास में सहायक होता है। विटामिन हमारे शरीर के बीमारियों से रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, लीवर में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ पे होता है? तो ग्लूकोज अधिक, अगर हम लोग ग्लूकोज अधिक ले लेते हैं तो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्रिया कहते हैं, और ये लीवर में जाके क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। किसमें? ये क्रिया जो लीवर में चलती है और ये जो स्टोर होती है वो लीवर, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है लीवर में होती है, बी ऑप्शन स्प्लीन में होती है, सी ऑप्शन लीवर एंड मसल्स यकृत तथा पेशियों में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेंगे, पेशियों में और लीवर में दोनों जगह एकत्रित हो जाती है, स्टोर हो जाती है। ग्लाइकोजन का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यकृत एवं पेशियों में संग्रहित हो जाता है। यकृत सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड बाह्य स्रावी ग्रंथ है। लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग, जॉन्डिस होता है। ये भी एक बार पूछा गया था क्वेश्चन कि जॉन्डिस कैसे होता है, लीवर की वजह से, लीवर की कमी, कुछ दिक्कत हो जाती है लीवर में तो जॉन्डिस हो जाती है। लीवर में पित्तरस बाइल जूस का निर्माण होता है। लीवर यह विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है, इसमें यूरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? तो इनेमल को कठोर बनाने वाला जो होता है वो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कैल्शियम, बी ऑप्शन फ्लोरीन, सी ऑप्शन आयोडीन या डी ऑप्शन सोडियम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट करेंगे, फ्लोरीन की वजह से इनेमल कठोर हो जाता है। तो दंत इनेमल को फ्लोरीन कठोर बनाता है। फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लोरीन की कमी से मानव में कौन सा रोग होता है, तो फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है जो दांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का मुख्य कार्य जो होता है ये वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जी पदार्थों का निवारण या प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर डी पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्शन करना। तो यही ऑप्शन नंबर डी सही है, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्शन करना। क्या अगर पित्त है तो क्या फैट इमल्सिफिकेशन का वर्क करता है? फैट EMULSI इमल्सी FICATION इमल्सिफिकेशन करता है। फैट का इमल्सिफिकेशन क्या करता है? पित्त करता है। पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्शन करता है। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टेकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनन क्षमता में कमी होती है, किस विटामिन की वजह से जनन क्षमता में कमी हो जाती है? तो एंटी स्टरलिटी विटामिन इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन ई को क्या क्या नाम है? टोकोफिराल इसी को कहते हैं, TOCOPHEROL टोकोफिराल एंटी स्टरलिटी विटामिन भी कहते हैं, ANTISTERI इंटरस्टरलिटी LITY इंटरस्टरलिटी विटामिन भी कहते हैं, या फिर इसी का एक नाम और है BEAUTY ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं इसी को। तो इसका तीन नाम है। ये इसकी डिफिशियंसी अगर हो जाती है तो स्टरलिटी हो जाती है, मतलब इनफर्टिलिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी प्रोवाइड हो जाती है। तो जनन क्षमता में
कमी होती है विटामिन ई की कमी से। तो फर्स्ट ऑप्शन ए दिया गया है, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन ई। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग सही करेंगे। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर विटामिन ई सही करेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे। इसका देख लीजिए, विटामिन डी का ये डिफिनीशन दिया गया है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखेंगे, विटामिन की खोज की, विटामिन ए भी क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज जो विटामिन की खोज फंक ने किया था। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे? फंक यहाँ पे ऑप्शन नंबर कह रहा है, ऑप्शन नंबर लूनिन दिया गया, लेकिन लूनिन यहाँ नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, फंक ने विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 11 इसमें दिया गया ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, हम जो बता दे रहे हैं एकदम सही है। तो अगर विटामिन की खोज पूछ रहा है, डिस्कवर पूछ रहा है, DISCOVER, डिस्कवर मतलब खोजना होता है। तो आप लोग क्या लगाएंगे, लिख लीजिए आप लोग, कहीं डिस्कवर्ड पूछ रहा है, डिस्कवर्ड बाई विटामिन, डिस्कवर्ड बाई किसने विटामिन को डिस्कवर्ड किया था। तो आप लोग लगाएंगे LUNIN, लूनिन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही लगाएंगे, विटामिन की खोज की तो लूनिन लगाएंगे, फंक नहीं होगा। फंक कब सही करेंगे? अगर क्वेश्चन पूछ रहा है टर्म किसने दिया था, विटामिन टर्म किसने दिया था, तो टर्म अगर पूछ रहा है तब आप लोग लगाएंगे फंक लगाएंगे, FUNK, आप फंक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही लगाएंगे। अगर पूछ रहा है विटामिन थ्योरी किसने दिया था, विटामिन की विटामिन थ्योरी THEORY विटामिन थ्योरी किसने दिया था, तो हॉपकिंस एंड फंक ने दिया था। किसने दिया था विटामिन थ्योरी को? HOPKINS, हॉपकिंस एंड फंक। तो आप लोग ये तीनों क्लियर कर लीजिए। विटामिन डिस्कवर्ड अगर पूछता है तो आप लूनिन लगाएंगे, विटामिन थ्योरी पूछता है किसने दिया था तो हॉपकिंस एंड फंक लगाएंगे, और विटामिन टर्म किसने दिया था तो फंक ने। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ विटामिन की खोज लूनिन ने, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, DNA में होते हैं, DNA में क्या होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन अमीनो एसिड, बी ऑप्शन पेप्टाइड्स, सी ऑप्शन पेप्टोन्स या न्यूक्लियोटाइड्स। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, DNA में न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। DNA न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, DNA दो पाली न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, प्रत्येक पाली न्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये सब इसके बाद ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोनसियम पेप्टाइड में बदलता है, ये ट्रिप्सिन का फंक्शन दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और बार बार क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है तो और डाइसैकेराइड। तो आप लोग याद कर लीजिए, मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होते हैं, मोनोसैकेराइड ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी सही लगाएंगे। डाइसैकेराइड कौन कौन से होते हैं आप लोग ये भी याद कर लीजिए, डाइसैकेराइड DISACCRIDE, डाइसैकेराइड जो होते हैं वो ऐसे याद कर लीजिए, MALTS, माल्ट, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ये जो तीन होते हैं ये डाइसैकेराइड होते हैं। तो इसमें कौन सा, इसमें मोनोसैकेराइड पूछ रहा है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यकृत लीवर द्वारा बनाया पित्त बाइल जो होता है पित्ताशय गाल ब्लेडर में किसके द्वारा पहुँचता है? तो ये गाल ब्लेडर में जाता है किसके द्वारा? हिपाइटो के द्वारा या गाल डक्ट के द्वारा, या फिर जो लीवर में बाइल बनता है वो कह रहा है गाल ब्लेडर में किसके थ्रू जाता है? तो बी ऑप्शन हिपाइटी दिया गया है, पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, सी ऑप्शन सिस्टिक डक्ट, डी ऑप्शन हिपाइटिक डक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, लीवर से गाल ब्लेडर में बाइल जो जाता है वो सिस्टिक डक्ट के थ्रू जाता है। आंसर सी, लीवर द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? ये देख लीजिए, डाइसैकेराइड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो डाइसैकेराइड जो होता है माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज होता है। तो माल्टोज यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, माल्टोज।
क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण सिंथेसिस के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? इंसुलिन के लिए या स्ट्राडियाल के या ग्लाइकोजन या उपयुक्त सभी से? तो अगर स्ट्राडियाल बनाते हैं तो क्या किस कोलेस्ट्रॉल क्या होता है आवश्यकता पड़ेगी कोलेस्ट्रॉल स्ट्राडियाल बनाने के लिए? तो स्ट्राडियोल ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। स्ट्राडियाल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है। इंसुलिन का निकर्षण अग्न्याशय से होता है, पैंक्रियास से होता है। इसके कमी से क्या डायबिटीज होता है? इंसुलिन ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन मिल्क प्रोटीन है? तो मिल्क प्रोटीन लैक्टोजन दिया गया है, मायोसिन दिया गया, केसिन दिया गया, रेनिन दिया गया है। तो निम्नलिखित में से दुग्ध मिल्क प्रोटीन जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे, आप केसिन सही करेंगे, क्योंकि यहाँ दुग्ध प्रोटीन की बात कर रहा है, मिल्क प्रोटीन। तो केसिन को दुग्ध प्रोटीन कहा जाता है। दूध का रंग उजला केसिन प्रोटीन एवं पीला कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है। एडल्ट मनुष्य में RENIN रेनिन एंजाइम की कमी होती है, जिसके कारण दूध पचने में कठिनाई होती है। रेनिन जो यहाँ पे दिया गया है ये कौन सा हार्मोन वाला है, लेकिन एंजाइम वाला पूछ रहा है, तो RENIN हो जाएगा, RENIN रेनिन। क्वेश्चन नंबर 18, आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण मतलब डिग्रेडेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, टूटता है? तो छोटी आंत में या कोलन में या स्टोमक या सीकम? नहीं, तो ये जो छोटी आंत में अमीनो अम्ल का डिग्रेडेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही लगाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है डिग्रेडेशन होता है किसका, प्रोटीन्स का। ये देख लीजिए, स्टोमच से गैस्ट्रिक जूस जठर रस निकलता है, ACL हाइड्रोक्लोराइड निकलता है, और पेप्सिनोजन म्यूसिन और रेनिन स्थापित होता है, RENIN वाला। क्वेश्चन नंबर 19, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विटामिन जो होता है ए को हार्मोन कहते हैं, बी ऑप्शन विटामिन बी को, सी ऑप्शन विटामिन डी को, या डी ऑप्शन दिया गया है विटामिन ई को। तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है, मछली के लीवर में विटामिन डी पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी जो होता है को हार्मोन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रेनिन का श्रावण करने वाला अंग होता है, रेनिन का सिक्रीशन जो होता है, देख लीजिए यहाँ पे RENIN है, अगर RENIN है तो ये एंजाइम है और स्टोमच पेट में निकलता है, और सिंगल यन जब होता है तो हार्ट के वाल से निकलती है, वो हार्मोन होती है। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर कर लीजिए, RENIN वाला है तो स्टोमच के पेट में निकलता है, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया लीवर से नहीं स्टोमच दिया गया, और किडनी, तो ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे, स्टोमच से निकलता है। रेनिन का सिक्रीशन स्टोमच द्वारा होता है। किडनी, मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है, इसमें यूरिया बनता है, किडनी के इकाई को नेफ्रांस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछे गए हैं कि किडनी के इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रान कहते हैं, अभी नेक्स्ट ईयर ही पूछा गया था ये। तो हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स और रिलेशन में शेयर करें, जो कोर्स आपके कोई फ्रेंड्स हो जो कोर्स ये करना चाहते हैं CPET नेट के माध्यम से नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, उनको आप बताइए और शेयर करिए, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करिए, और चैनल को प्लीज़ आप लोग ग्रो करिए, और वीडियो बार बार देखिए, और सभी क्वेश्चन याद करिए। धन्यवाद।